क्या हुआ भाई, हमने इसमें से लिफ्ट हटा दी। आप देख सकते हो दोनों साइड में कहीं पे भी लिफ्ट नहीं लगा रखी, क्योंकि हमने पहली बार माना ये 2-in-1 मशीन। मतलब इससे आप अब रोड का काम, छत का काम भी कर सकते हो, और इसमें हमने लगा टावर सिस्टम। जो टावर सिस्टम क्या रहता है, चैनल से बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, चैनल बेंड हो जाती है, ढाला बाहर निकलता है, बहुत सारी समस्या आती है। और जो हमारी जो 2-in-1 मशीनें रहती हैं, जो सबसे ज्यादा सेलिंग रहती है, वो टावर इस तरीके का काम करता है। वो टावर अब इन मशीनों में भी काम करेगा। और इसमें क्या रहता है, हमने ग्लास थोड़ी मॉडिफिकेशन करा और ब्रेकिंग का इतनी अच्छी तरीके से ध्यान रखा है, क्योंकि ब्रेकिंग क्या सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। अगर आप देखोगे ब्रेक लगाते ही मशीन रुकेगी, इसका चलता हुआ वीडियो बताएंगे, ब्रेकिंग का पूरा टेस्ट बताएंगे और टावर रख के बताएंगे, पूरा वीडियो में बने रहना। तो मैं आपको पूरा मशीन का ऑल राउंड घुमाता हूँ, आप देखिए। क्योंकि क्या रहता है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनको चाहिए मिनी फ्लोरी। मिनी फ्लोरी में वो क्या करते हैं कि छत का काम वो तो अलग ही है, अगर रोड का काम करना, मानो ये इतना बड़ा रोड है, गिट्टी की वहां पड़ी भी है और आपको वहां से मिला के और इधर डालना है, तो ये काम वो करेगी। मतलब ये छोटी फ्लोरी का काम करेगी, आप पीटीओ लगा दो और लिफ्ट हटा दो और छोटी फ्लोरी का काम करेगी, वहां से मिला के लेके आएगी और इधर डालेगी आपका, जहां भी आपको डालना है। सादे मिक्सर का काम करना, सादे मिक्सर का काम कर सकते हो। और जहाँ आपको छत का काम मिले वहाँ तो मजे ही आ जाएगा आपको, वहाँ पे टावर लगाओ। और इसकी जो कैपेसिटी, महिंद्रा का 3 सिलेंडर का इंजन है, ये आराम से 4 से 5 मंजिल आराम से डाल सकता है। 4 से 5 मंजिल तो हम इसके साथ देते हैं, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी पूरी बताई जाए तो 10 से 15 मंजिल की रहती है, क्योंकि हम 2-2 सिलेंडर को 10-10 मंजिल तक देते हैं, और ये तो फिर भी 3 सिलेंडर का, तो सोचो कितनी अच्छी पावर होती है। अब आपको इसके बारे में बताएंगे, ब्रेकिंग के बारे में बताएंगे, ब्रेक देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो पहुंचे, स्टार्ट करो, ब्रेक बताओ, लो पीछे लो, देखो ब्रेक, ब्रेक देख के आपको मजा आ जाएगा। ब्रेक का वहाँ टायर का वहाँ बताएंगे आपको, देखो। अब आओ देखना स्पीड से फिर आएगी मशीन और ब्रेक लगाएंगे, स्पीड से लाओ, लगाओ, ये आए है, मजा आ जाएगा, दिल खुश काम कर दिया हमने। क्यों, गागरोनी मेटल में इस तरीके की मशीन आपको देते हैं हम, ये दिल खुश हमारा भी होता है और आपका भी होता है। और हमने जो सबसे पिछली वीडियो जो डाली थी ना, उसमें क्या हुआ था कि लोग भागों ने क्या करा था कि वो बोल रहे थे भैया यहाँ पे साइलेंसर लगा है, आप ड्राइवर को धुआं खिला के मारोगे क्या। तो आपकी बात सही थी, हमने वो साइलेंसर अंदर दे दिया था, लेकिन अब वो क्या करा, हमने साइलेंसर का पाइप पूरा ऊपर निकाल के और ऊपर से दे दिया उसका पूरा, जो भी उसका रहता काला धुआं निकलने का, वो अब ड्राइवर धुआं खा के नहीं मरेगा, अब ऊपर ही रहेगा, ड्राइवर जिंदा रहेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा, आपको कमा के देगा, वो ये मशीन चला के देगा आपको। तो इस तरीके का हम आपको इक्विपमेंट करके देते हैं। तो इस पर अब आपको बताएंगे फ्लोरी का काम कैसे करते हैं। अब अगर अपना मटेरियल आगे पड़ा है और मिला के अपन को इधर डालना है, बगैर लिफ्ट का सिस्टम है, पूरा डेमो करके बताते हैं आपको, क्योंकि फ्लोरी का काम करती है, छत का रोड का दोनों काम होगा इससे एक ही मशीन से अब। और ये पहली बार हमने गागरोनी मेटल में बनाई है, पूरा यूट्यूब छान लेना आप। पहुंच गए ना, अब माल मानो अपना यहाँ पड़ा है, बाहर रोको रोको रोको, अब अपना माल यहाँ पर पड़ा हुआ है और अपनी लेबर को उठा के इसमें डालना है। तो ये लेबर उठा के इसमें डालेगी और पीछे लेके जहाँ पर माल खाली करना है वहाँ पे लेके जाएगी, या तो इस हाइड्रोलिक ऑपर लगवा लो या लेबर से डलवा लो। अब ये इस तरीके से पीछे माल डालने जाएगी जहाँ पे माल डालना है, तो ये फ्लोरी वाला काम करेगी। आप कहीं भी इससे छत का रोड का दोनों काम कर सकते हो। अब ये 2-in-1 मशीन है, तो टावर किस किधर कहाँ पर रखेंगे, तो पूरा टावर रख के बताते हैं। देखो इधर आ जाओ, अब ये पूरा टावर किस तरीके से रखना है, पकड़ूंगा, अब टावर को रखने की जगह एक तो साइडों में भी है, एक ऊपर भी, आप देख सकते हो ऊपर भी लगा रखी है। अब टावर उठा के देना अपन को, ये दोनों साइड में टावर रख सकते हैं। और अगर यहाँ पर जगह कम पड़ जाए, एक टावर यहाँ रख ले, फिर उसके ऊपर यहाँ रख ले, उसके ऊपर यहाँ रख ले, अगर और भी कम पड़ जाए तो ऊपर एक तरीके का छोटा कैरिज बना हुआ है, वहाँ भी आप रख सकते हो आराम से। तो ठीक है, अभी टावर रख के बताते हैं, लो रखो ना, क्या और ठीक है। और इस तरीके से मशीनों पर टावर रख जाता है,
और आप इसके ऊपर भी टावर रख सकते हो, उधर भी टावर रख सकते हो, इसके ऊपर भी टावर रख सकते हो, इधर झूला बकेट भी रख सकते हो और ट्रॉली बांध के कहीं भी ले जा सकते हो। इसमें जो महिंद्रा का इंजन लगा हुआ है 3 सिलेंडर का, उसके फ्यूल कंजप्शन की बात करते हैं, अगर इसे आप छत की ढलाई में किसी भी काम में यूज़ करते हो, छत की ढलाई में फुल लोड पे, तो ये 1 घंटे के अंदर 2 लीटर का फ्यूल लेता है। मतलब 1 घंटे अगर चलाओगे तो 2 लीटर का इसमें कंजप्शन रहेगा। अगर बाय रोड की बात करते हो, रोड पर चला के लेके जाओगे, तो 10 से 12 का इसका एवरेज आता है रोड पे चलने का। अरे बहुत तेज चल रही भाई साहब।